ये है मुंबई नगरी, जहाँ की शाम बहुत रंगीन होती है। और इसी शाम को देखने के लिए आज मैं आ गया हूँ मुंबई की इस जगह पर। पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, लड़कियों के आइटम्स जो हैं, ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है। लेकिन आगे चल के भी दिखाऊंगा कि और यहाँ पर क्या क्या है। लेकिन इंटर करते ही मुझे दिख गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि लड़कियों के लिए दिखा देता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ही रहती हैं, तो उनके लिए भी ये आइटम्स बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे ये लड़कियों के ही आइटम्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की शाम को मैं दिखाने आया हूँ और देखने आया हूँ, इसीलिए वीडियो में बने रहना। लास्ट में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जिसे सुन के आप खुश हो जाओगे। पहले आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रीट साइड में है। और आगे चल के मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ये पूरा एरिया। यहाँ से आगे चलता हूँ और आगे की तरफ चल के आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ इस जगह के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हूँ अभी मुंबई में। और अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ मुंबई, बीस्टिंग प्लेसेज ऑफ मुंबई, बेस्ट प्लेसेज ऑफ मुंबई, टूरिस्ट प्लेसेज इन मुंबई, बीस्टिंग प्लेसेज इन मुंबई, या फिर ये कहें मुंबई बेस्ट प्लेसेस, मुंबई पर्यटक प्लेसेस, मुंबई में घूमने के लिए क्या क्या है, घूमने के लिए मुंबई में कौन कौन सी जगहें हैं, या फिर ये कहें बेस्ट प्लेसेज इन मुंबई, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। और ये वीडियो भी इसी टॉपिक से संबंधित है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है और यहाँ पे लड़कियों के, लड़कों के लिए भी आइटम्स हैं। लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, बट इसी अंधेरी रास्तों के सहारे मैं आगे तक जाऊँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सब चीज़, क्योंकि यहाँ पर शाम होते ही ना लड़कियों की भीड़ लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो अच्छाई एक और बुराई। बट यहाँ पे सस्ते आइटम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे आइटम्स अच्छे हों, लेकिन सस्ते एंड ट्रेंडिंग आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जब भी आप यहाँ पर आओगे तो। और यहाँ पर लड़कियों की भीड़ इसलिए लगती है क्योंकि ये देख सकते हैं लड़कियों के आइटम्स बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स हैं यहाँ पर, एक लाइन से लड़कियों के आइटम्स लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो रास्ता है, ये जो एरिया है, बहुत ही लंबा है। ये तो अभी स्टार्टिंग एरिया है, अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ, अभी मैं अंत तक जाऊँगा और मुंबई नगरी की रंगीन शाम को दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप भी मुंबई आओगे तो इस जगह पर ज़रूर आओगे, 100% आओगे। तो चलिए अब यहाँ से भी आगे चलता हूँ और आगे चलता हूँ, धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलता हूँ, जहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है ये, आप देख सकते हैं बहुत है। मोची का शोरूम है यहाँ पे, आपको बहुत बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर मिलेंगे इस एरिया में। लेकिन ये स्ट्रीट साइड मार्केट भी बहुत सारी है यहाँ पे, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आके ख़रीदारी करते हैं। अब इस जगह को कहा क्या जाता है वो भी आपको आगे चल के बता देता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े आदमी खरीदते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सस्ते एंड ट्रेंडिंग आइटम्स आपको मिलते हैं। तो जब भी मुंबई आप आते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे घूमना चाहिए। अब इस जगह को क्या कहा जाता है और ये कहाँ पर है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। लेकिन पहले आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफी मैंने यहाँ पे की है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो क्लिक की है मैंने, क्योंकि लड़कियों के आइटम्स बहुत ही ज़्यादा थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत कुछ आइटम्स हैं मेरे, लेफ़्ट साइड राइट साइड हर जगह यहाँ पर आइटम्स पड़े हुए हैं। तो बहुत ही सस्ते आइटम्स हैं एंड अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है ख़राब है, अच्छे हैं, ट्रेंडिंग आइटम्स हैं, इसीलिए यहाँ पे भीड़ लगी रहती है लड़कियों की, या फिर ये कहें वुमेंस की। लड़कों के लिए भी आइटम्स हैं, इसलिए लड़के भी आते हैं यहाँ पे और लड़के भी लेके जाते हैं बहुत कुछ जो भी मन पड़ता है यहाँ पर। किसके लिए? सब के लिए ले जाते हैं, जो भी उनके घर में है सबके लिए ले जाते हैं यहाँ पे। ये देखो ये भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इन भाई साहब से मैंने पूछा कि ये आइटम्स कहाँ से लाते हैं, तो ये सब बोलते हैं कि सर यहीं पे मिलता है, होलसेल में लाते हैं हम लोग और यहाँ पे बेचते हैं। तो मैंने बोला कब से बेच रहे हो, बोला कि ये अभी से नहीं, फिलहाल पिछले 15-20 साल से मैं इधर ही हूँ। 15-20 साल बोला मतलब लगभग 10-12 साल से तो यहीं पर होगा। बोला कि मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे दुकान खोल रखे थे ऐसे ही रोड साइड में। तो
अब टॉपिक आता यह है कि ये जगह कहाँ पर है, कौन सी जगह है। इसे कहा जाता है कोलाबा मार्केट या कोलाबा कॉजवे, जो कि मुंबई की एक फेमस मार्केट है, या फिर ये कहें कि चीपेस्ट मार्केट ऑफ मुंबई है, जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कोलाबा कॉजवे में शॉपिंग करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि जैसे आइटम्स अभी आप देख रहे हैं, ये आइटम्स यहाँ पे बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही अच्छे मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग आते हैं। तो कोलाबा कॉजवे ये कहाँ पर है, ये अगर बात की जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया यहीं पे है, गेटवे ऑफ इंडिया के पास है, बहुत ही प्राइम लोकेशन में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ लगी रहती है और बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। अभी शाम होते ही यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाती है, अभी तो जस्ट शाम हुई है, कुछ देर बाद देखोगे यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी दिखाया है, पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी। लेकिन जब अभी शुरू हो रही है, कुछ देर पहले बारिश भी हुई थी, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक कम है, और कुछ धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती जाएगी, यहाँ की रंगीन रातें और रंगीन होती जाएंगी और भीड़ यहाँ पे चार गुना ज़्यादा हो जाएगी, धक्का मुक्की बढ़ता जाएगा यहाँ पे। तो धक्का मुक्की खाना है तो आपको 8 बजे के बाद आना पड़ेगा, मुझे तो वीडियो बनाना था इसलिए मैं पहले आ गया। ये देखो गुंडे टाइप के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, अब ये क्यों खड़े हैं आप समझ सकते हो कि गुंडे मवाली लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो भाई मुंबई है, यहाँ पे तो हर कोई रहेगा ही, 100% ट्रू है, यहाँ पर हर तरह के लोग आपको मिलने वाले हैं, अच्छे बुरे, कोई कुछ करने वाला है, कोई कुछ बिजनेस करने वाला है, हर तरह के लोग आपको मुंबई की इस एरिया में, या फिर एक मुंबई के कहीं भी जाओगे आप तो आपको हर तरह के लोग मिलने वाले हैं, ये तो बिल्कुल 100% ट्रू है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि आपको कब आना चाहिए, आप कभी भी आओगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको भीड़ मिलनी ही है, लेकिन 8 बजे के बाद। और यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं और हर तरह के लोग भी मिल जाएंगे, मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा एरिया है, यहाँ पे अगर ख़रीदारी भी करना है, कुछ भी करना है आपको, तो आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और मुंबई की जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बैग रखे हैं, लड़कियाँ शॉपिंग कर रही हैं, बेल्ट, लड़कियों के आइटम्स बहुत ही ज़्यादा हैं इस एरिया में। तो आई होप आज का ये वीडियो, या फिर ये कहें आज का कोलाबा कॉजवे का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मुंबई आओगे तो मुंबई के इस जगह को ज़रूर घूमना पसंद करोगे, और घूमोगे तो 100% आपको अच्छा लगने वाला है। तो मुंबई की फेमस प्लेसेज में से एक ये है कोलाबा कॉजवे। और कोलाबा कॉजवे कहाँ पर है, कोलाबा कॉजवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास है। तो आज का मुंबई का यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।